हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैवी साइज पैंट की स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको चेक कर लें, तो फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा स्टिचेबल कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसको हम जब सिलाई करते हैं तो हमें इसकी नीडल चेंज करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपने जो आपकी मशीन में 16 नंबर की सुई लगी होगी तो उसे आप चेंज करके 18 नंबर की सुई लगा लीजिए, जिससे आपकी जो स्टिचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों की ना कंप्लेंट होती है कि ना हमारा आसन में खिंचाव आता है और हमारा जो आसन बीच में से उठता है। तो फ्रेंड्स, उसकी मैं आपको प्रॉब्लम का सलूशन देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, हम आसन को पूरा नहीं जोड़ेंगे, कम से कम 1 इंच यहाँ तक, देखिए यहाँ तक जोड़ेंगे, इस तक जोड़ेंगे, इतना 1 से 1.5 इंच हम इसे छोड़ देंगे, इसे हम बाद में जोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट उठाते हैं और फ्रंट पार्ट की सिलाई करते हैं, फिर बैक पार्ट की सिलाई करेंगे आसन की। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक, और इतना देखिए यहाँ तक पोर्शन, इतना हम पोर्शन यहाँ तक छोड़ देंगे, इतना छोड़ देंगे, ये हम बाद में इकट्ठा बाद में दोनों को मिला के ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगा ली, देखिए यहाँ तक, और इतना हमने कपड़ा हमने सिलाई नहीं लगाई, हम बाद में ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है और आधा इंच की दूरी पर हमने सिलाई लगानी है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट को जोड़ा है, ऐसे हमने बैक पार्ट को भी इतना ही छोड़ते हुए हमने इसे ज्वाइंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट में आसन जोड़ लिया और बैक में भी आसन दोनों जोड़ लिए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि पैंट के अंदर साइड कट कैसे बनाते हैं और फ्रेंड्स, इसमें जॉइंट लेस लगाकर इस डिजाइनिंग करना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बॉटम है, जो हमारी 3 इंच की बॉटम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी बॉटम ये मुड़ जाएगी, पैंट की ये मुड़ जाएगी। इसके बाद हमें कट रखना होता है, तो कट कितने इंच का रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, मैं इस पर कट जो रखूंगी वो रखूंगी 1.5 इंच का। तो फ्रेंड्स, 1.5 इंच पहले से ऐसे निशान लगा देंगे इसे, ऐसे 1/2 इंच की दूरी पर। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, ऊपर हम सिलाई लगा देंगे पहले और बाद में हम कट को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स, इसको सीधा करेंगे ऐसे, इस तरह से सीधा करके ऐसे, देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से इस एक तरफ हमने ऐसे मोड़ देना है, और जहाँ तक देखिए हमारा निशान लगा हुआ है यहाँ तक मोड़ने का, ये देखिए ये हमारा निशान है 3 इंच का, यहाँ तक हमें इसे ऐसे फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से निशान है ना, ऐसे फोल्ड कर देना है और ऐसे नाखून से प्रेस कर देना है, इसमें क्रीज बन जाएगी। अब फ्रेंड्स, देखिए जॉइंट है ना हमारा इस जगह यहाँ पे, देखिए हमने ये देखिए ये ओपन एरिया है, यहाँ पे ऐसे रखना है इस तरह से नाखून लगाकर। अब फ्रेंड्स, जितना हमें फोल्ड करना है, जितना हमारा देखिए फोल्ड हमने फोल्डिंग पे लगा रखा है, तो इसे डबल कर देंगे ऐसे फोल्ड करके। देखिए 1.5 इंच पे हमने कट लगाया था, 1.5 इंच पे हमने इसे फोल्ड कर दिया। देखिए इस तरह से जितने हमारा कट लगा उतने पे हमें इसे फोल्ड कर देना है, देखिए इस तरह ये फोल्ड कर दिया हमने इस तरह। और यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी, इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, अब इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे, देखिए और ऐसे फोल्ड कर देंगे, देखिए सेम वैसे फोल्ड करना है, इसको नीचे वाले को ऐसे साइड रखना है। और सिलाई हमें कहाँ तक लगानी है, जहाँ तक हमें इसकी सिलाई लगाई है वहीं तक सिलाई लगाएंगे, इस तरह फोल्ड करते हुए क्रीज बना देंगे पहले ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्रीज बना देंगे। और फ्रेंड्स, जैसे हमने इस पर सिलाई लगाई थी सेम वैसे ही इस पर भी सिलाई लगा देंगे, ऐसे करते हुए 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे दो तरफ हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स, देखिए इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके इसे बाहर निकालेंगे, जिससे कि इसकी नोक तैयार हो जाएगी ऐसे, और इसको ऐसे फोल्ड करके इसको भी ऐसे उंगली लगाकर बाहर निकाल देंगे, इस तरह बाहर निकालेंगे। और इसकी जो नोक है ना, उस नोक को हमने किसी नुकली चीज से ऐसे सीधा कर देना है दोनों तरफ से, इस तरह से हमने इसकी नोक को सीधा कर देना है। अब फ्रेंड, देखिए पलटते हुए दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये कट तैयार हो जाता है, कट फिनिश हमारा देखिए कट तैयार हुआ है। अब देखिए फोल्ड करके इसको हम ऐसे इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, चाहे तो आप इस पर तुरपाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। अब जो जॉइंट है, जॉइंट को हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे रखते हुए जॉइंट को हमने इस पर सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, कितना फिनिशिंग हमारा ये कट लग गया, और देखिए सिलाई लग गया हमारा, देखिए एक से देखिए कितनी फिनिशिंग है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग बना। और फ्रेंड की देखिए, इस तरह से आपने कट लगाना है। अब फ्रेंड, इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे जॉइंट लेस लगाकर। तो फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से हम जॉइंट लेस यहाँ पे इसमें लगाएंगे, ये जॉइंट लेस है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लगाएंगे और उसमें डिजाइनिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, तो ऐसे पैंट को हम उल्टा कर देंगे, ऐसे ऐसे उल्टा करके हम निशान लगाएंगे, देखिए इस तरह करेंगे। देखिए यहाँ से हम 3 इंच लेंगे और फिर इसके बाद 1 इंच छोड़ते फिर हम 3 इंच निशान लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए
हमने बराबर निशान लगाना है, ये ध्यान रखना है कि हमारा कहीं से भी आगे पीछे कपड़ा ना हो, ठीक है। हमने कोने से लगाना शुरू करना है ऐसे, ये 3-3 इंच का निशान लगाएंगे, निशान हमारे सीधे आना चाहिए, इसी का ध्यान रखना है आपने कि निशान में हमारी कमी नहीं होनी, बिल्कुल बराबर निशान लगाए 3 इंच पर। ये देखिए इस तरह फिर ऐसे निशान लगाते जाएंगे 3-3 इंच में, फिर ऐसे ये देखिए ऐसे निशान लगाएंगे। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी रेस लग जाएगी, तो 1 इंच जगह छोड़ दे, फिर यहाँ से हम 3 इंच के निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम 3 इंच निशान लगा देंगे ऐसे, ये हमारी गाइडलाइन बन जाएंगी। इस हिसाब से हमने देखिए इसको यहाँ से पहले हमें इस यहाँ से कट कर दूंगे, और इसमें पहले आपको जॉइंट लेस कैसे लगाते हैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले हम कटिंग कर लेंगे इसकी, पहले देखिए फ्रेंड्स हमने कटिंग कर ली। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ये वाला कट करके इसको भी अलग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने कट कर दिया, इसको साइड कर देंगे पहले। अब फ्रेंड्स पहले हम जॉइंट लेस लगाएंगे, तो देखिए कैसे लगानी है हमने इसको, देखिए पहले ऐसे सीधा करेंगे इस तरह से, और जॉइंट लेस का देखो सीधा वाला भाग है ये वाला, तो इसको उल्टा रखेंगे इसके ऊपर ऐसे इस तरह रख के, और इस पर देखिए हमने सिलाई का लगानी है। ये देखिए जहाँ हमारी जाली शुरू हो रही है, इससे पहले जो हमारी आउटलाइन है इस पर हमने सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे रखते हुए थोड़ा सा लेस को थोड़ा बाहर निकालेंगे इस तरह से, और हल्की सी ऐसे खींचते हुए, हल्की सी ऐसे जोर से नहीं खींचना आपने, हल्का सा खींचते हैं जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। ऐसे खींचते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी पहले सिलाई लगाएंगे किनारे की। देखिए फ्रेंड्स हमने ये सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स इसे पलटेंगे ऐसे करके, पलट के जो हमारा मार्जिन है ना इसको नीचे तरफ कर देंगे। देखिए ये मार्जिन को हमने नीचे की तरफ करना है, इस तरफ जहाँ तक हमारा बॉटम है उस पर करके ऐसे नीचे तो करते हुए हमने यहाँ पे टॉप की सिलाई लगानी है पूरे, ऐसे करते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने टॉप की सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स जो हमारा पीस दूसरा था उसे हम इस पर ज्वाइन करेंगे। देखिए ये हमारा दूसरा पीस है, इसको हमने ऐसे उल्टा रखना है इसके ऊपर, ये हमारा सीधा है इसको उल्टा रखना है ऐसे, और जॉइंट जो है ना हमारा ये बीच का जॉइंट है, जॉइंट से हमने जॉइंट मिलाना है, ये ध्यान रखना है जॉइंट हमारा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। इस जॉइंट पे ऐसे रखते हुए हमने देखिए यहाँ से ऐसे रख देंगे, और फिर इसको ऐसे लगाते हुए हमने इस पे कोने की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स को ऐसे जो मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ करना है, ये देखिए इस तरफ मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पे हमें टॉप की सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जॉइंट लेस लग गई है, जो पास आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आगे से कितनी फिनिशिंग है और देखिए पीछे से हमारी कितनी फिनिशिंग है। ऐसे फ्रेंड्स एक हम जॉइंट लेस और लगाएंगे, तो फ्रेंड्स देखिए इसको हमने ऐसे देखिए उल्टा है, ये हमारा सीधा तरफ है, उल्टी तरफ रखते हुए हम इसमें एक लेस और लगाएंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स इस तरह हमने सिलाई लगा दी। अब फ्रेंड्स पलटेंगे ऐसे, और जो मार्जिन है इसको नीचे करते हुए, नीचे करते हम टॉप की सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये लेस लग गई। अब फ्रेंड्स इसको हम पैंट इस पर रख के जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब ये पैंट लेंगे, देखिए इसको रखेंगे सीधा सीधा रख के इस पे हमने देखिए इसको उल्टा रखना है बॉटम को। ये देखिए इस तरफ सीधा ये, और ये अंदर की तरफ सीधा, दोनों अंदर तरफ सीधा रहेंगे, ऊपर रखेंगे उल्टा, और जो जॉइंट है ना इसको मिला के रखना है। देखिए ये हमारा जॉइंट है, इसको मिला के रखेंगे, इस पे जॉइंट का हमें ध्यान रखना है, जॉइंट हमारा आगे पीछे ना हो। ये देखिए ऐसे रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी जॉइंट लेस लग गई। अब फ्रेंड्स इसकी टॉप सिलाई लगाने के लिए जो मार्जिन है इसको ऊपर की तरफ रखते हुए इस पर हमें टॉप की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जॉइंट लेस हमारी दोनों लग के तैयार होगी। देखिए ये फ्रंट है और ये बैक, दोनों तरफ से देखिए हमारी कितनी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये बॉटम बनाया है ऐसे ही दूसरा बॉटम भी तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे दोनों बॉटम ये देखिए तैयार हो गए, दोनों फिनिशिंग हमारी ये तैयार हो गए, दोनों मैंने जॉइंट लेस लगा ली। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारा नेफा है उसे बनाएंगे, जैसे हमें इलास्टिक लगाना है वो नेफा हम तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने नेफे के लिए अलग से हमें कपड़ा लगाना होता है, जिससे हमें फिनिशिंग अच्छी आती है, क्योंकि बहुतों को परेशानी होती है कि वो हमसे मुड़ता नहीं, तो इसे हम अलग से पट्टी लगाते हैं नेफे के लिए। तो देखिए हमने ये 4 इंच की पट्टी ली है, और जितनी हमारे नेफा है उसके हिसाब से हमने इस पट्टी को ले लिया है। दो पट्टी है, इनको ज्वाइंट करेंगे पहले हम।
देखिए फ्रेंड्स हमने ज्वाइंट पट्टी तैयार कर ली। अब फ्रेंड्स को हम पैंट पे लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको पैंट को लिया, पैंट को सीधा कर लिया पहले, और जो पट्टी है इसको हमने ऐसे रखना है। देखिए ये देखिए पट्टी लेंगे, पट्टी को हमने इसको ऐसे रखना है। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है ऐसे करते हुए, आधे इंच की दूरी पे हमने इसे सिलाई लगानी है ऐसे करते हुए, और इसको वापस इसको ऐसे फोल्ड करके हमने इसमें नेफा तैयार करना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स हमने नेफा अटैच कर लिया। अब इसको देखिए ऐसे फोल्ड करना है ऐसे करके, आधा इंच इतना फोल्ड करते हैं हमें इस पे, इस तरह सिलाई लगानी है। फोल्ड करके हमने इसे पूरे में टॉप की सिलाई लगानी, पूरे राउंड में हमने सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स हमने कितना फिनिश हमारा ये नेफा मुड़ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने जरा सा जगह छोड़ दी है, यहाँ पे हम इलास्टिक पास करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसकी फिटिंग लगा लेते हैं और बाद में इसे इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए बॉटम को हमें फोल्ड करना है उल्टा करके, ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे, और जितना हमें बॉटम रखना है उतना निशान लगा के हम इसकी पहले आधा इंच से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ऐसे हमने बॉटम को ऐसे मोड़ना है। ये देखिए बॉटम हमारा था 7 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स 7 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे करते हुए, यहाँ से निशान लगाया हमने। ये देखिए हमारा 7 इंच यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इसको ऐसे लगाना है, और इस तरह से हमने इसको ये देखिए ऐसे करते हुए हमने इसे ऊपर तक हमने निशान पर आसन तक लगाना है, फिर दूसरे बॉटम से निशान ऐसे ही लगाना है, और फिर आसन पर लगाना है ऐसे करके पक्का करना है। तो जब हम स्टार्ट करेंगे सिलाई तो यहाँ पे डबल लगाएंगे सिलाई से, एक बार ऊपर नीचे करेंगे जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाए, ऐसे दूसरे बॉटम में हमने ऐसे सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे ऐसे अपने एक बार पक्का करना है, इससे क्या होगा आपका बॉटम खुलेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स हमने आसन ये छोड़ा था ना, आसन हमने आधा इंच सिलाई हमने नहीं लगाई थी, तो पहले इसको हम ऐसे जोड़ लेंगे ऐसे, बाद में बीच की सिलाई बाद में लगाएंगे। तो पहले इसको जोड़ लेंगे ऐसे करके, देखिए फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी। और फ्रेंड्स जो हमने आधा इंच जगह छोड़ी थी वो वहीं तक हमने सिलाई लगाई है। देखिए ये हमारा अलग है, ये देखिए अब दूसरा बॉटम है, इसको भी ऐसे ही निशान लगा के हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने दूसरा बॉटम भी हमने सिलाई लगा दी। और फ्रेंड्स अब ये आधा इंच जो हमने आसन में जगह छोड़ी थी अब इसको कंप्लीट करना है हमने, अब इसको गोलाई में कंप्लीट करेंगे। इसको करने से फ्रेंड्स क्या होता है, हमारे आसन में खिंचाव नहीं आता, हमारी पैंट पीछे से उठती नहीं है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आधा इंच पहले जगह छोड़ते हैं आसन में, और ये बाद में सिलाई गोलाई वाली लगाएं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आसन की सिलाई लगा दी, और फ्रेंड्स जो हमारा मार्जिन था बीच का जो सिलाई का, एक का मुंह इधर कर दिया और एक का मुंह इस साइड कर दिया, और बीच में हमने पूरे में आसन में सिलाई लगा दी। ये बाद में सिलाई लगाने से ये फायदा होता है कि हमारे जो पैंट है बीच में उठती नहीं है और ना खिंचती है, आसन में खिंचाव भी नहीं आता और कंफर्ट रहती है। तो आप भी इस सिलाई को बाद में लगा सकते हैं और इसमें खिंचाव की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा रह गया ये इलास्टिक लगाना। तो फ्रेंड्स इलास्टिक कैसे लगाते हैं बताती हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स जो हमारी कमर होती है ना उस कमर के साथ हमारा इलास्टिक लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेफा, देखिए अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। देखिए हमने होल छोड़ रखा है इसमें, इसमें से इलास्टिक पास करेंगे। तो फ्रेंड्स इलास्टिक डालने का तरीका क्या है कि जितनी हमारी कमर होती है उसमें से हमें फुल राउंड जो हमारी कमर होती है उसमें 4 इंच लेस करना होता है। तो फ्रेंड इसकी जो कमर थी हमारी पैंट की ये थी 38, तो फ्रेंड 38 में से फ्रेंड्स हमने 4 इंच लेस कर दिया, तो रह गया 34 इंच। तो 34 इंच हम इसमें इलास्टिक लेंगे। अब फ्रेंड्स डालेंगे कैसे, देखिए पिन की सहायता से ऐसे सेफ्टी पिन डालेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह डाल के इसमें पिन लगा लेंगे ऐसे। इसे लगाकर आपने जहाँ पे हमने होल किया था यहीं से हमने इसमें डालना शुरू करना है। देखिए देखिए इस तरह हमने इलास्टिक को यहाँ से निकाल लेना है, ऐसे निकाल के पिन को बाहर निकालेंगे और इलास्टिक को पहले सीधा कर लेंगे। इलास्टिक में कहीं पे भी आपका झोल नहीं आना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए इलास्टिक। ये देखिए ऐसे लगा लिया, ये देखिए इस तरह लगा लिया। अब फ्रंट इस इलास्टिक को हमने एक ऊपर चढ़ा के ऐसे यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा देनी है, 3-4 सिलाई लगा देंगे यहाँ पर अच्छे से इलास्टिक को पक्का करके। बाद में इसको हम यहाँ जो हमारी बची हुई सिलाई थी, जो हमारी खुली हुई सिलाई है उसको हम सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स इससे हमने ज्वाइंट ऐसे लगा देना है, ऐसे पक्का कर देना है। अब इसको अंदर कर देंगे, सारे ज्वाइंट को अंदर करके खिसका देंगे उंगली सहायता से ऐसे। ये देखिए ये कर दिया। अब इसको ऐसे करते हुए अब जो हमारा ये खुला एरिया जो हमारा इस पहले हम सिल देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने लास्ट डाल दिया। अब फ्रेंड्स देखिए करेंगे चार तरफ से ऐसे ऐसे हमने इसको ऐसे ऐसे फैलाना है कपड़े को।
सारे चुनर को हमने एक साथ करना है। देखिए इसे पकड़ के हमने ऐसे दो तीन बार खींचेंगे तो ये चूचा टपरा बैठ जाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या करना है, हमने यहाँ पे बीच में हमने एक मशीन रखनी है और दोनों तरफ से ऐसे ऐसे खींचना है और यहाँ पे बीचों बीच हमने सिलाई लगानी है। ये सिलाई जब लगा देंगे तो हमारा इलास्टिक इसमें बीच में सेट हो जाएगा, आगे पीछे मुड़ेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे लास्ट लग के तैयार है। देखिए हमारे लास्ट लगा है। अब फ्रेंड्स इसका मैं आपको सीधा करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पैंट का फाइनल लुक, ये देखिए हमारे इलास्टिक लग गया। देखिए आगे से भी देखिए और फ्रेंड्स पीछे से भी देखिए, पीछे से हमारा ये इलास्टिक लगा है। और ये फ्रेंड्स देखिए हमारी बॉटम ये देखिए तैयार हो गई है। देखिए ये हमने जॉइंट क्लैच लगा के हमने बॉटम तैयार करी है। और देखिए फ्रेंड्स ये कट दोनों तरफ लगाया है तो देखिए कट्स भी कितने सुंदर लग रहे हैं, फिर नीचे हमारे कट लगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से बना सकते हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे से समझा दी है। अगर आपको सब भी कोई प्रॉब्लम आती है कटिंग में या स्टिचिंग में तो नीलम है ना, आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो तब तक के लिए बाय बाय।